हाँ जी, मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बहुत सारे अच्छे व्यूज़ में हैं, बहुत सारे व्यूज़ ऐसे हैं जो मैं उनकी बातों से नहीं सहमत रहता, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 3 साल बेमिसाल नहीं रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। मैं इस बात को बहुत फेवर करता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मोदी गवर्नमेंट का कि हम जो हमारी बहुत जो यूपी सेकंड में जो कंडीशन थी उससे हम थोड़ा बेहतर स्थिति में हैं, बट देन अगर हम ये कहें कि बहुत बेहतर स्थिति में है तो कोई ज़रूरत ये मुझे नहीं लगता कहने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ मैं अपने किसी और की नहीं, सिर्फ मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो आई एम अ स्टूडेंट एंड ऑल अबाउट करेंटली व्हाट आई केयर इज़ अबाउट माई एजुकेशन माई फर्दर स्टडीज़। तो जैसा फर्दर स्टडीज़ में ये हाल कर रहे हैं हायर एजुकेशन का, मुझे लगता नहीं, एंड बीइंग अ जनरल कैंडिडेट मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि आई सिक्योर अ सीट इन एमफिल और पीएचडी इन द कमिंग ईयर्स। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि व्हाट दे हैव डन थ्रू द मीडियम ऑफ यूजीसी एंड जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इन जेएनयू, दे शुड नॉट डू इट, दे शुड नॉट रिड्यूस द सीट्स, इन फैक्ट दे शुड लाइक इंक्रीज द कोटा। एंड देन सेकेंड थिंग इज दैट दे आर डूइंग अ प्रीटी गुड वर्क। बस एक चीज़ ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें परमानेंसी लेके आइए, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आप एक सर्टिफिकेट उनको ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट के बाद आप ये कहते हैं कि आप उनको पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारी जॉब्स में, और वो सर्टिफिकेट उनको और अपने नए स्टार्टअप्स हेल्प करने में, बैंक से लोन लेने में हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। एक साल पहले मैंने एक ऐसे ही गाँव में काम किया है जिसको प्रणब मुखर्जी ने अडॉप्ट किया हुआ है, मैं उस गाँव का नाम नहीं बताना चाहूँगा।